हमीरपुर गांव में विमला अपने पति सुरेश और बेटे मोनू के साथ रहती थी। विमला का पति सुरेश दूसरों के खेतों में काम कर अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। एक दिन, अजी सुनते हो, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे घर के कामों के साथ खेतों पर भी काम नहीं होता है। ठीक है विमला, तुम खेतों पर मत जाया करो। हाँ जी, लेकिन मोनू की पढ़ाई और शादी ये सब कैसे होगा? विमला तुम चिंता मत करो, भगवान चाहेंगे तो सब हो जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। सुरेश के अकेले खेतों पर काम करने से उसका घर नहीं चल पाता है, तो विमला कहती है, अजी सुनते हो, मैंने पड़ोस की सुषमा को देखा है, वो सिलाई कर पैसा कमाती है, आप भी मेरे लिए मशीन ला दीजिएगा, मैं भी घर बैठे सिलाई का काम करूँगी। ठीक है विमला, लेकिन अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, देखता हूँ कुछ दिनों में। कुछ दिन बीत जाते हैं। सुरेश कहीं से पैसे उधार लेकर विमला के लिए एक सिलाई मशीन खरीद कर घर लाता है और कहता है, सिलाई मशीन की मदद से तुम घर बैठे पैसे भी कमा सकती हो और घर चलाने में मेरी मदद भी हो जाएगी। घर बैठे अच्छा नहीं लगता था। विमला सिलाई करके पैसे कमाने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही अच्छे से बीत जाते हैं। एक दिन सुरेश खेतों में काम कर रहा था, तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। अचानक सुरेश पर बिजली गिरती है और वो लकवा ग्रस्त हो जाता है। अरे विमला काकी, तुम्हारे पति को खेत में लकवा मार दिया है। ये क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ काकी, सही बोल रहा हूँ। विमला अपने बेटे मोनू के साथ दौड़कर बारिश में खेत में पहुँचती है और अपने पति को उस हालत में देखकर रोने लगती है। हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया, इस गरीब की कितनी परीक्षा लेंगे। मत रोइए, मैं हूँ ना, बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बनूंगा। विमला अपने लकवा ग्रस्त पति की सेवा करती व सिलाई करके अपना घर चलाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर मोनू बड़ा हो जाता है और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। वाह बेटा, तुम अब नौकरी करने लगे हो, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे से काम नहीं हो रहा है, अब तुम्हारी शादी कर देती हूँ। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। फिर कुछ ही दिनों में विमला मोनू की शादी पास के ही गांव में रहने वाली रानी से करवा देती है। घर के हालातों को देखकर वो मोनू से हमेशा शिकायत करती रहती थी। मैं इस घर में नहीं रहूंगी और किसी की नौकरानी नहीं हूँ जो इतना काम करूंगी। रानी तुम ये क्या बोल रही हो, ये मेरे माँ बाप है। मैं नहीं जानती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारे साथ शहर में ही रहूंगी। विमला मोनू के कमरे के दरवाजे पर खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है। फिर जैसे ही मोनू बाहर आता है तो कहती है, बेटा बहू को अपने साथ लेकर जाओ, मैं यहाँ रह लूंगी। माँ मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूँ माँ। हाँ बेटा, मैं जान रही हूँ तेरी कोई गलती नहीं है, तेरा भविष्य उसी के साथ है, इसलिए तू जा यहाँ से। मोनू रानी को लेकर शहर जाने लगता है। माँ बेटे को दूर जाते देख उदास हो जाती है। इस तरह से घर छोड़कर जाना मोनू को भी ठीक नहीं लग रहा था। चलो जी, तुम्हारी माँ दुनिया छोड़कर नहीं गई है जो तुम इतना रो रहे हो। बेटे के चले जाने के बाद विमला वैसे ही सिलाई कर अपना घर चलाने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते हैं। उसके पास अपने पति की दवाई के भी पैसे नहीं होते हैं। विमला मोनू को फोन कर कुछ पैसे मांगती है। हाँ माँ, अब मैं जरूर भेज दूंगा। ये बात रानी सुन लेती है और फिर मोनू को कहती है, उन लोगों को पैसे की क्या जरूरत है, और मैं पेट से हूँ और हमारा परिवार बढ़ रहा है, वैसे भी तुम्हारे बाप का एक टांग तो कब्र में ही है। रानी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, वो मेरे माँ बाप है। वो बस कुछ दिनों के मेहमान है, वैसे भी वो बूढ़ी सिलाई से पैसे तो कमाई रही है, वो क्या करती है। विमला अपने बेटे मोनू के पैसे भेजने का इंतजार करती है, लेकिन काफी वक्त निकल जाता है, कोई पैसा नहीं आता है। विमला उदास होकर फिर से सिलाई करने लगती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसका बेटा अपनी पत्नी से बिना बताए माँ से मिलने आ रहा होता है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अरे वो विमला काकी, चौराहे पर तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। क्या कह रहे हो तुम, चलो मुझे वहाँ पर लेकर चलो। विमला भागी भागी मोनू के पास पहुँचती है। मोनू के सर से बहुत खून बह रहा होता है, उसे फौरन अस्पताल लेकर जाती है। सभी डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, तभी मोनू के प्राण हरने के लिए यमराज आते हैं। यमराज को देख कर विमला मोनू के सामने खड़ी हो जाती है। नहीं यमराज जी नहीं, यही तो मेरा सहारा है, इसे देखकर ही तो मैं जी रही हूँ, उधर मेरे पति को लाचार कर ही दिया है। नहीं, इसके दिन पूरे हो चुके हैं,
और इसके लिए तुम रो रही हो जो तुम्हें बेसहारा कर चला गया। हाँ यमराज जी, लेकिन ये जैसा भी है मेरा बेटा है, और आप मेरी बहू की भी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं। मोनू के एक्सीडेंट की खबर मिलते ही रानी भी अस्पताल पहुंचती है। अपनी सासू माँ को मोनू के लिए इतना प्यार और यमराज से लड़ता देख रानी को अपने किए पर पछतावा होता है। विमला यमराज से अपने बेटे की जान की भीख मांगती है, लेकिन यमराज उसकी बिना कुछ सुने मोनू के प्राण हर कर ले जाने लगते हैं। छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। नहीं, इसके दिन पूरे हो चुके हैं। आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं विमला, तुम्हारे दिन अभी आए नहीं है, मैं नहीं ले जा सकता। ये सारी बातें सुन विमला यमराज से झगड़ा करने लगती है। ऐसे में उनके कपड़े विमला से फट जाते हैं। ये तुमने क्या कर दिया? मैं निर्वस्त्र होकर यमलोक नहीं जा सकता। आप मेरे घर चलिए, मैं आपके कपड़े सिल देती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद यमराज जी कहते हैं, ठीक है, तुम्हारे बेटे के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ। विमला मोनू और यमराज को लेकर घर पर आ जाती है और यमराज के कपड़े सिलने के लिए कपड़े ढूंढने लगती है। यमराज बैठकर देखते हैं कि विमला कितने फटे कपड़े सिल सिल कर पहने हुए है। तभी विमला बक्से में रखा अपना शादी का जोड़ा निकाल कर कपड़े सिलाई करने लगती है। तुम ये क्या कर रही हो पुत्री? अपनी शादी का जोड़ा मेरे लिए बर्बाद कर रही हो। प्रभु, अब मैं इस जोड़े का क्या करूंगी जब बहू का सुहाग नहीं बचा सकूंगी। तुम रो नहीं पुत्री, तुम्हारा बेटा भी तो नालायक ही है जो तुम्हें इस हालत में छोड़कर चला गया। प्रभु रो नहीं तो क्या करूं? वो इंसान भला क्या करे जिसके जीते जी उसका जवान बेटा भगवान को प्यारा हो जाए। फिर कुछ ही देर में विमला यमराज के कपड़े सिलकर यमराज के हाथों में दे देती है। अब तो मेरा बेटा भी मुझसे दूर जा रहा है, क्या बिगाड़ा था जो मेरी किस्मत में ये सब लिखा था। पुत्री, तुम्हारे पुत्र के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर आज मैं भी भावुक हो गया। मैं ऐसे पुत्र का प्राण कैसे हर सकता हूँ जिसकी रक्षा स्वयं उसकी माँ कर रही हो। इतना बोलते ही यमराज वहाँ से गायब हो जाते हैं। मोनू उठकर बैठ जाता है। मोनू को वापस जिंदा देखकर वो गले लगा लेती है। शुक्र है आप ठीक हो, मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये सब तो मेरी माँ की वजह से हुआ है, माँ ने यमराज से लड़कर मेरे प्राण वापस लाए। माफ कर दीजिए, मैं जिंदगी भर आपको गलत समझती रही, अगर आज आप नहीं होती तो शायद मैं मोनू को हमेशा के लिए खो देती। विमला रानी को माफ कर देती है। कुछ ही दिनों में मोनू बिल्कुल ठीक हो जाता है और सभी खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। लेकिन ननद जी, आज हमारा सुहागरात है, आज भी आप लोग इसी कमरे में सोएंगे क्या? अरे आप और भैया सुहागरात बिस्तर पर मनाएंगे ना, हम तो नीचे सोएंगे, फिर क्या दिक्कत। ये बोलकर अंकिता और अमृता के सास ससुर उसी कमरे में सो गए। बिस्तर पर अमृता और उसका पति अनिल सो गया। अमृता सोचने लगी, मैं क्यों भागा ही अपने घर से, अब सुहागरात भी सबके साथ मनानी पड़ रही है, ये कैसी जिंदगी है मेरी। अनिल ने कहा, अमृता तुम सो जाओ। ये बोलकर अनिल सो गया। अमृता बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। वो अमीर घर की लड़की है, उसे हमेशा एसी में रहना पसंद है। उसके बाथरूम में भी एसी की ठंडी ठंडी हवा आती थी। एक दिन रास्ते में अमृता की गाड़ी खराब हो गई, इसीलिए उसे ऑटो लेना पड़ा और उस ऑटो में अनिल भी था। जल्दबाजी में उतरते हुए अमृता अपना पर्स ऑटो में ही भूल गई। उसके जाने के बाद अनिल ने पर्स को देखा। अरे वो मैडम तो अपना पर्स भूल गई, मुझे इसे लौटाना पड़ेगा। अनिल अमृता को ढूंढने के लिए ऑटो से उतर गया और कुछ देर बाद उसे ढूंढ निकाला। मैडम आपका पर्स ऑटो में आप भूल गई थी। अरे मैं तो यही ढूंढ रही थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप नहीं होते तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। और इसी तरह दोनों की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। अमृता ने प्यार का इजहार किया, लेकिन अनिल ने कहा, देखो अमृता मैं गरीब हूँ, बस्ती में रहता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, तुम मेरे घर में नहीं रह पाओगी। लेकिन तब अमृता के सर पर प्यार सवार था। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ जहन्नुम में भी रह लूंगी, बस तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे घर वाले तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे, मैं कल भाग कर आऊंगी और हम दोनों शादी कर लेंगे। प्लान के मुताबिक अमृता भाग आई और दोनों ने शादी भी कर ली। अमृता अनिल के घर आई। आओ बहू बैठो, असल में इस घर में एक ही कमरा है और एक ही पंखा है। हम सभी यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी रह लूंगी। अब कह रही हो, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद भाग मत जाना भाभी।
सभी हंसने लगे और रात को सभी उसी कमरे में पंखे के नीचे सो गए। गर्मी बहुत थी और अमृता अपनी जिंदगी में पहली बार रात को बिना एसी के बिता रही थी। अब उसे प्यार की कीमत समझ में आने लगी। क्या घंटा प्यार, इससे अच्छा मैं अपने माता पिता की पसंद से ही शादी कर लेती। अमृता को नींद नहीं आई। उसने सुबह अनिल से कहा, अनिल मुझे एसी के बिना रहने की आदत नहीं है, मुझे एसी चाहिए, एक एसी खरीदो ना। ये क्या कह रही हो अमृता, एसी की जितनी कीमत है उससे आधी मेरी सैलरी है, वो भी घर चलाते हुए खत्म हो जाती है, मैं एसी कहाँ से लाऊंगा। अनिल ने मना कर दिया। अमृता दुखी हो गई। उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। शाम को जब अनिल लौटा तब वो अनिल के साथ झगड़ा करने लगी। अनिल मैं यहाँ ऐसे नहीं रह सकती। क्यों, एक दिन में सारा प्यार खत्म हो गया क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं गरीब हूँ, लेकिन तुमको ही जल्द से जल्द शादी करनी थी। अच्छा अब सब कुछ मेरी गलती है, ठीक है मैं अभी के अभी घर छोड़कर जा रही हूँ। अमृता घर छोड़कर चली गई। अनिल के माता पिता दुखी हो गए। अंकिता ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था ये भाग जाएगी। अमृता मायके गई लेकिन उसके पिता ने कहा, तुमने घर छोड़कर एक बस्ती के लड़के से शादी कर ली है, मेरे लिए तुम मर चुकी हो, निकल जाओ यहाँ से। मायके में अमृता को जगह नहीं मिली, वो रास्ते में भटकने लगी। भूख के चलते उसका सर चकरा गया और वो गिर पड़ी। उसका नसीब अच्छा था कि वहाँ उसी वक्त अनिल आ गया। अरे अमृता यहाँ क्या कर रही हो? अनिल मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं क्या करूँगी? अपने ससुराल चलो, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। वहाँ बस एक पंखा है, मैं वहाँ नहीं रह सकती। अरे रास्ते से तो बेहतर है, चलो। अनिल अमृता को घर ले आया। अंकिता ने कहा, क्यों भाभी आ गई फिर से, इस बार रह पाओगी ना? अंकिता ससुराल में रहने तो लग गई लेकिन वो दिन ब दिन गुस्से वाली होने लगी। वो बात बात पर सबको सुनाने लगी। बहू मुझे एक ग्लास पानी देना, बहुत प्यास लगी है। मैं आपकी नौकरानी हूँ क्या, खुद ले लीजिए। ये क्या भाभी, अपने ससुर से कोई ऐसे बात करता है क्या? अरे अंकिता रहने दे, गर्मी से वैसे भी बहू की हालत खराब है। ऐसे ही अमृता सबके ऊपर चिल्लाने लगी। घर में तांडव शुरू हो गया। अनिल भी दिन ब दिन परेशान होने लगा। एक दिन उसके एक दोस्त ने पूछा, क्या बात है अनिल, आजकल तू बहुत परेशान दिखता है। अरे क्या कहूँ यार, बीवी को एसी चाहिए, इधर टेबल फैन खरीदने के पैसे नहीं है। तू भी ना यार, अमीर घर की लड़की से शादी कर ली, तुझे ये सब पहले सोचना चाहिए था। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन अमृता के ससुर ने न्यूज़पेपर में पढ़ा, किडनी की जरूरत है, एक किडनी के बदले 50,000 रुपए मिलेंगे, अरे वाह 50,000 में एक अच्छी एसी आ जाएगी। वो किसी से कुछ ना कह के घर से निकल गए। सही एड्रेस पर पहुंचकर उन्होंने अपनी एक किडनी बेच दी और उन पैसों से एसी खरीद कर ले आए। बहू ये देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे वाह एसी, बहुत बढ़िया। लेकिन पिताजी आपको पैसा मिला कहाँ से? अरे ये क्या, आपके पेट पर ये निशान कैसा? तब उन्होंने सब कुछ बता दिया। ये सुनकर सभी रोने लगे। क्या आपने किडनी बेच दी? तो क्या हुआ, मैं तो ज्यादा दिन के लिए नहीं हूँ इस धरती पर, उसके बाद हमारी बहू ही तो रहेगी यहाँ, उसके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये सुनकर अमृता की आंखों में आंसू आ गए। उसे गिल्ट होने लगा। पिताजी मुझे एसी चाहिए था लेकिन आपकी किडनी के बदले नहीं, मैं आज ही एसी लौटा दूंगी। अमृता ने एसी लौटा दिया और अपना एक हार भी बेच दिया। उन पैसों से उसके ससुर का ऑपरेशन किया गया और एक किडनी लगवाई गई। मुझे आप लोग इतना प्यार करते हो, यही मेरे लिए बहुत है। मैं खुशी खुशी एक पंखे में रह लूंगी और मेहनत करके खुद से सब कुछ बना लूंगी, बस आप लोग हमेशा मेरे साथ मेरे पास रहना। अमृता समझ गई कि प्यार ही सबसे कीमती चीज होती है। वो इसके बाद एक ही पंखे में मिलजुल कर रहने लगे। उसने एक नौकरी भी ले ली और उन्हीं पैसों से बड़ा घर बनवाया और सबसे पहले अपने सास ससुर के कमरे में एसी लगवाया। इस तरह सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।